तो मुझे ये बताएं कि भील समाज में विवाह के लिए जीवन साथी चुनने का क्या तरीका है ट्रेडिशनल तरीका हिंदी में बोली अगर तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और समुद्र पारिय प्रत्यक्ष निवेश क्या अंतर है दोनों में कंप्यूटर्स के दुनिया में वॉम ट्रोजन और वायरस क्या है अहिल्या की कहानी क्या थी राम की कथा में

सर मेरा नाम मनीषा धार्व है जी मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ ठीक है मैंने अपनी ट्वेल्थ तक की पढ़ाई खरगोन के ही ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल से कम्पलीट की है ठीक है और अपना ग्रेजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से बी कंप्यूटर साइंस में कम्पलीट किया ठीक और सर मेरे इंटरेस्ट के विषय भगोरिया ट्राइवल फोक डांस बाइक राइडिंग भिली ट्राइबल फोक सॉन्ग है सर फिर से बोलिए अपनी हॉबीज क्या है भगोरिया ट्राइबल फोक डांस ठीक है बाइक राइडिंग भिल्ली ट्राइबल फोक सॉन्ग भीलनी ट्राइबल फोक सॉन्ग आप जिस समाज से हैं भील समाज से हैं सर उसमें एक सब ग्रुप होता है सर भिलाला तो सर मैं उस ट्राइब से बिलोंग करती हूँ अच्छा तो मुझे ये बताएं कि भील समाज में विवाह के लिए जीवन साथी चुनने का क्या तरीका है ट्रेडिशनल तरीका सर ट्रेडिशनल में हमारे पास जो सिस्टम है सर उसमें एक को लिविंग का होता है सर सिस्टम एक सर मग्नी विवाह होता है गोटुल शब्द आता है आपके समाज में सर ये गोटुल सर हम गोंड ट्राइब में देखते हैं पर जो ट्राइब में हाँ। आप है आपके यहाँ क्या शब्द है उसके लिए सर हमारे यहाँ वैसे सर को लिविंग का सिस्टम होता है नहीं गोटुल भी को लिविंग का सिस्टम है और उस को लिविंग का कोई खास नाम है भील समाज में या नहीं है आ, नहीं सर उसका नाम गोल गोधेड़ो का नाम सुना है आपने क्या होता है जी सर क्या होता है बताइए सर ये होली के समय किया जाता है जिसमें एक सर बीच में जब पूरे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है सर बीच में एक खंभा रहता है तो उसपे चढ़ने का प्रयास पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिलाओं द्वारा उनपे एक शादी का सर दोनों की वो सहमति फिर उसमें भी देखी जाती है तो ये परंपरा आजकल चल रही है पुराने जमाने की बात है सर ये थोड़े बहुत उसमें चलती है और सर हमारे यहाँ ट्रेडिशन अभी भगोरिया देखा जाता है सर तो वहाँ पर एक हम चयन का देख सकते हैं आपके समाज में भील समाज में ऐसी कौन सी तीन परंपराएं हैं जो आप चाहती हैं कि दिल्ली के लोग भी अपनाएं और दिल्ली के लोग भी थोड़े ज्यादा सभ्य हो जाएं? जी सर सर एक जो हम देख सकते हैं सर पर्यावरण को लेके क्योंकि सर हमारे यहाँ शादियाँ होती है तो सर हम आ, जो फेरे लेते हैं सर वो पेड़ के फेरे लेते हैं यानी बिग फैट मैरिजेज नहीं होती वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके तमाशा तमझो नहीं होता शांति से पेड़ के फेरे लेते हैं फ्रेंडली ठीक है और, और सर वुमेन्स का देख सकते हैं क्योंकि सर वहाँ पर जो जेंडर पैरिटी है वो काफी है सर इसको देख सकते हैं बहुत सुंदर शैली है संबंध आपके समाज से माना जाता है उनकी कहानी वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक सेम रही या बदली कभी आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अगर मैं ठीक पहचान रहा हूँ तो जी सर है ना आप शबरी की कहानी जानते हैं जी सर तो ये बताएं कि जब शबरी के पास राम आए और बातचीत हुई तो तुलसीदास ने रामचरित मानस में क्या लिखा जब शबरी ने कहा कि मैं तो निम्न जाति की स्त्री हूँ तो एक तो निम्न जाति के ऊपर से स्त्री हूँ उसके बाद आप मेरे जूठे बेर क्यों खाएंगे तब राम ने क्या जवाब दिया उनको सर उन्होंने जो कहा था सर उसमें उन्होंने, उन्होंने उनके लिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया था सर हाँ

विदेशी निवेश को लगातार आकर्षित कर रहे हैं इस संदर्भ में दो शब्दावलियाँ हैं एक एफ है डी और दूसरा है ओडीआई हिंदी में बोले अगर तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और समुद्र पारिय प्रत्यक्ष निवेश क्या अंतर है दोनों में सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है सर उसमें जो हमारे जो इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन के ओरिजिन से रिलेटेड है सर वो भी करेंगे और जो अदर कंट्रीज के सिटीजन है सर वो भी और सब जो ओडीआई की बात करते तो जो सर हमारे ओ कार्ड धारक है सर जिनका ओरिजिन इंडिया से रिलेटेड रहा था तो सर मैं इसे समझ पा रही हूँ अंदाजा लगा रही कहीं पढ़ा है सर जहाँ तक मेरी रीडिंग रहेगी मैं यही रिकॉल कर पा रही हूँ अच्छा नहीं इसमें है कि FDI बाहर से अंदर आने वाले प्रत्यक्ष निवेश को कहते हैं और ओ भारत से जो बाहर जाता है उसे कहते हैं सॉरी सर तो ये बताएं कि भारत से जो बाहर निवेश जा रहा है और उसको सरकार क्यों प्रोत्साहित करती है उससे जीडीपी को बढ़ाने में कैसे मदद मिलेगी सर यदि इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा तो सर ये एक तरह से हमारे लिए वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी भी यदि क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है तो सर जो उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा तो सर वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा सर और कुछ फायदा सर मैं यही समझ पा रही अच्छा ठीक है ये बताएं कि सरकार बार बार ये कहती है विशेषज्ञ भी कहते हैं कि न सिर्फ हमें जी की मात्रा बढ़ाने पर पर बल बल देना चाहिए, उसके गुणवत्ता सुधारने पर भी बल देना चाहिए, चाहिए। बल्कि गुणवत्ता सुधारने भी जीडीपी की गुणवत्ता में क्या-क्या बातें शामिल की जाती हैं? सर की गुणवत्ता में एक तो ये देखा जाता है कि सर जो समाज का निम्न वर्ग है और सर जो समाज के इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं फैक्टर है कि जो हमने जीडीपी का जो इंक्रीज हुआ है तो उसमें हमने पर्यावरण का कितना लॉस किया है सर, इसे भी देखा जाता है ठीक है संधारणीय विकास भारत सरकार का और विश्व पूरे विश्व का एक लक्ष्य है संधारणीय विकास के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें मानी जानी चाहिए सर इसके जो पैरामीटर हम एस में देखते हैं सर जो सर जीरो पॉवर्टी का कंसेप्ट है सर हंगर का एक कंसेप्ट है सर इसमें एजुकेशन हेल्थ और जेंडर इक्विटी और सर एनर्जी वगैरह के सत्रह सोलह पैरामीटर है और सर एक सत्रह है जिसके लिए हम प्रयास करेंगे ठीक है अभी आ, सरकार आ, लेखानुदान पेश करने जा रही है और लेखानुदान का संविधान में कहीं उल्लेख है, है या एक ऐसे ही परंपरागत मुहावरा है सर इसका प्रावधान जो है सर आ, पर्टिकुलर मुझे आर्टिकल तो नहीं पता बट सर चूंकि अंतरिम हम बजट पास करते तो सर चूंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है और जब बजट पे डिस्कशन होगा और उस पर और जब तक वोटिंग नहीं होगी तो सर तब तक के लिए एक्सपेंडिचर के लिए इसे प्रावधान किया गया सर मैं देख रहा था कि आप विद्यालय से पढ़ी हुई है विश्वविद्यालय भी अहिल्या विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं ये बता सकते हैं कि अहिल्या भाई जब थी, तो उनकी आर्थिक नीति की खास बातें क्या थी सर उनकी जो आर्थिक नीति की खास बातें थी सर फर्स्ट तो उन्होंने जो वहाँ पर जो कुटीर उद्योग थे उन्हें बढ़ाने की कोशिश की सर वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए जो आसपास के व्यापारी थे और जो अन्य शासक थे तो सर उनके थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश की थी सर मैं ये दो समझ पा रही और सर उन्होंने जो इंदौर में राजवाड़ा है ठीक है अर्थ पता है तो शाब्दिक भी पता है और विशेष संदर्भ में इसका क्या मतलब सर मनीषा चूंकि इच्छा की देवी माँ सरस्वती से लिया जाता है सर इसे देख सकते मन की देवी ठीक है तो व्यवहार में इसका क्या मतलब अभी कहा कि जो इदाती आयोग या इडेट आयोग जिसको बोलते हैं उसकी रिपोर्ट्स को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्या आपने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा या सुना है आपको जानकारी नहीं है कोई बात नहीं आप मुझे बता सकती हैं गैर अधिसूचित जनजातियाँ क्या होती हैं है? मैम गैर अधिसूचित जनजातिया वे होती हैं जिन्हें संविधान के जो आर्टिकल थ्री फोर्टी उनमें है जगह नहीं दी जाती अच्छा और घुमंतु तथा तो अर्ध घुमंतु जनजातियाँ मैम ये जो ब्रिटिश टाइम के अंतर्गत एक्ट था जिनमें कुछ को आपराधिक जनजातियों का दर्जा दिया गया था उन्हीं को बाद में घुमंतु और अर्ध घुमंतु में शामिल किया गया मध्य प्रदेश में है ऐसी कोई जनजातियाँ मैम घुमंतु और अर्ध घुमंतु में नहीं है बट मैम में अच्छा ठीक है ये बताइए कि आपने भोपाल कभी गई है आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जी देखा है जी भोपाल में एक सिस्टम है बी का बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम आपने देखा है कभी नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया है जी अच्छा भोपाल में एक बी है जिसका मतलब है सड़क पर बसों को चलने के लिए अलग से मार्ग दिया जाएगा जो कि आज के कुछ वर्षों पहले बहुत कई करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था और अभी वर्तमान में जो नई सरकार बनी है उसने आने के बाद उसको तोड़ने का प्रपोजल दिया उसको तोड़ा जा रहा है यातायात को सही करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या और कोई तरीका नहीं था भोपाल में यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ये जन जो चीज़ें हैं ये पब्लिक के पैसों का नुकसान नहीं है मैम पब्लिक के पैसों का इन्वेस्टमेंट यदि हम नुकसान देखें तो मैम चूंकि वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था तो ये लॉस हो सकता है हम लोगों का बट चूंकि वहाँ पर वर्तमान में मेट्रो के लिए भी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे और चूंकि मैम वो एरिया काफ़ी कवर करता है और वहाँ पर जो बस की टाइमिंग है वो काफ़ी कम होती है और दो चार बसें जो चलती हैं वहीं तो मैम जो नया वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो मेट्रो की परियोजना हमारी स्टार्ट होने वाली तो उसके साथ वो वो की परियोजना होने वाली है है। है। या हो 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 चुकी? और तैयार तैयार रहा रहा उसमें दो चार बसें टाइमिंग का रहता है अच्छा, आप हिंदी साहित्य की भी विद्यार्थी है आज अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आवश्यक कदम उठाए इसमें कौन सा अलंकार होगा सॉरी अलंकार कितने प्रकार के होते हैं मैम शब्दालंकार और अर्थालंकार अलंकार हाँ शब्द कितने प्रकार के होते हैं सॉरी आपको आइडिया नहीं है कोई बात नहीं ये बताइए आपको बाइक चलाना पसंद है भारत में बहुत सारी बाइक टैक्सी सर्विसेज चलती हैं उनमें से कुछ के नाम बता दीजिए मैम रेपिडो चलती है और मैम इलेक्ट्रिक बाइक में मैम यूलो की चलती है ठीक है आपने यूज किया कभी मैम यूलो की मैंने ट्राई किया ट्राई की है आपको लगता है कि जो ये ओला उबर या बाइक टैक्सी सर्विसेज है इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और कुछ चीज़ें अभी अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है या जो व्यवस्थाएं अभी हैं वो पर्याप्त हैं मैम महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें किया जा सकता है क्योंकि मैम वर्तमान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि क्योंकि मैम हम देखते हैं रेपिडो की सर्विस में जो मोस्टली ड्राइवर रहते हैं वो मेल पर्सन ही रहते तो एक सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है मैम तो यदि यूलू वगैरह का भी देखा जाए तो मैम पर उनके पर्टिकुलर स्टेशन है तो वो ऐसा कई बार होता है कि वो ब्लैक स्पॉट पर तो वहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है तो वो एक देख सब ठीक है मेरा आपसे आखिरी सवाल है मनीषा आप एक महिला हैं आप मुझे बताइए कि आ, महिलाएं पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रही हैं वो सारी चीजें जागरूकता भी आ रही है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कही जाती हैं कि वो सारी चीजें भारत में हो रही हैं फिर भी महिला सुरक्षा अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है हर राज्य में आपको क्या लगता है अभी और क्या किए जाने की जरूरत है महिला सुरक्षा की दिशा में मैम महिला सुरक्षा की दिशा में वर्तमान में जो हमारे जितने कानून है महिलाओं से संबंधित एक तो इनको लेके प्रॉपर अवेयरनेस बढ़ाई जाने की हमारी जो जरूरत है और मैम जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है जैसे निर्भया फंड है हुँ. तो इसमें वर्तमान में देखा गया कि जो फंड है उसका एलोकेशन प्रॉपर हुआ है बट जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो एक उसमें कमियां देखी जा रही है उसका भी यदि हम प्रॉपर यूज़ करते हैं और जो वॉलेंटियर की एक जो हमारी स्कीम है हुँ. उसका यदि करते हैं और हेल्पलाइन नंबर और नई यदि हम वर्तमान में चूंकि टेक्नोलॉजी वगैरह का है तो यदि टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करते हैं तो इसमें वो, वो काफी ठीक हो सकता है आपको नहीं लगता है कि सबसे पहला काम ये किया जाना चाहिए कि कि स्कूल में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए मैम हो सकता है 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 जो सबसे जरूरी है। बाकी चीजें तो उसके बाद ठीक थैंक यू मनीषा जी आप मध्य प्रदेश से आती है ऐसा क्या है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी नक्सलिज्म मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाया कुछ क्षेत्र हैं खास करके बड़े नटोरियस इलाके माने जाते हैं मध्य प्रदेश के जहाँ नक्सल और नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है क्या लगता है क्या कारण है सर यदि इसके कारणों को देखा जाए तो सर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें काफी कमी हो गई है सर वर्तमान में एमपी के तीन ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है सर वो भी बॉर्डरिंग वाले डिस्ट्रिक्ट है और सर जो इंफ्रा वगैरह का जो लेक था और जो ट्रस्ट डेफिजिट का हम देख रहे थे सर ये कुछ रीजन है उसके और क्या कमी रह गई सरकार की तरफ से सर सरकार ने प्रयास किया बट सर वो एक जो ट्रस्ट डेफिजिट इतने सालों से बना हुआ था तो सर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर ना पहुंच पाने की वजह से जो एक्सट्रीमिज्म था सर वो हमसे पहले पहुंच गया तो मुख्य कारण क्या है नक्सल प्रभावी इलाकों का इस तरीके से ग्रसित होने का सर एक सोशल इकोनॉमिक रीजन है इसके सर अच्छा मान लीजिए आपको सरकार के तरफ से ऐसे किसी जिले में पोस्टिंग मिलती है जो बहुत ही नटोरियस जिला है किस तरीके से और क्या कदम उठाएंगी ताकि नक्सल प्रभावी इलाके में इस तरीके की गतिविधि कम हो और वहाँ के स्थानीय निवासियों का ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम किया जा सके सर चूंकि वो नक्सल प्रभावित तो यदि डिस्ट्रिक्ट है तो सर वहाँ पर जो चूंकि फिफ्थ शेड्यूल में तो सर वहाँ पर पैसा एक्ट लागू होगा तो सर पैसा एक्ट में प्रावधान है कि जो ग्राम सभा है उनको काफी अथॉरिटी दी गई तो सर मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं ग्राम सभा से प्रॉपर कंसल्ट करूँ और जो उनकी रिक्वायरमेंट है सर उसे देखू अच्छा आप मध्य प्रदेश से हैं इस हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शन है सरकार की बहुत अच्छी स्कीम भी है प्रधानमंत्री वन धन योजना जी सर संकल्प से सिद्धि ये जो ये इनिशिएटिव है सरकार का क्या है ये इनिशिएटिव? सर इसमें प्रयास जो वन केंद्र है सर वहाँ पर जो ट्राइबल के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है सर उसे परचेस किया जाता है और सर इसे फिर आगे जो मेन मार्केट है सर इसे बेचा जाता है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कौन कौन से उत्पाद आते हैं इसमें सर पत्ता आता है सर बांस की, की चीजें आती है महुआ आता है चिरोली आती है और सर सर फिलहाल में यही है अच्छा मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि अभी फॉरेन पॉलिसी को अगर देखा जाए इंडिया की हमारी फॉरेन पॉलिसी में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से बहुत पीछे होता जा रहा है आपने देखा मालदीव्स के साथ हमारा एपिसोड नेपाल के साथ आपने एपिसोड देखा भूटान भूटान में चाइना चाइना और और इंडिया के और के साथ वार्ता हुई इंडिया को बुलाया नहीं गया बांग्लादेश से हमारे लगातार विवाद है कहाँ जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी सर फॉरेन पॉलिसी का यदि हम देखा जाए तो सर हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है सर उसे देखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं बट सर चूंकि वहां पर यदि हम हमारे नेबर कंट्री को देखें सर उनके जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पौ, और पॉलिसी रही है सर उससे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक अफेक्ट कर रही सर इसमें चाइना फैक्टर काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है सर तो चाइना फैक्टर मेजर कर रहा है जिसकी वजह से हम अपने दोस्त जो हैं वो खो रहे हैं क्या ये हमारी इनसिक्योरिटी है कि हम जरूरत से ज्यादा चाइना के तरफ ज्यादा ऑपसेस्ड है कि कुछ और कारण है सर जो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ चूंकि चाइना का एक मेजर फैक्टर है सर जो चाइना का हम बी का देखते हैं और सर जो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है सर तो इस वजह से सर हमारा कंसर्न हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए सर अच्छा मेरा आखिरी सवाल आपसे चुनाव के बाद पोस्ट पोल वेंडेटा खास करके चुनाव में के बाद जो कैंडिडेट होते हैं और खास करके जनता होती है उनको तरह तरह के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है क्या कमी है हमारे चुनाव की प्रक्रिया में जैसे कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को वंचित रख दिया जाता है उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के कारण चुनाव के बाद क्योंकि बूथ वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होता है क्या होना चाहिए कुछ बदलाव करने चाहिए चुनाव में सर चुनाव सुधार से रिलेटेड जो कमेटियां बनी हुई हैं सर इन्होंने इस संदर्भ में शायद कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट्स का याद नहीं कर पाती थैंक यू थैंक यू जी मनीषा uh, जी आपने बी एस सी कम्प्यूटर साइंस से किया है ठीक है हम किसी भी वेबसाइट में जब जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं हमें सर कुकीज़ कुकीज ये होती है कि जो आप एक्टिविटीज करने वाले हैं सर उसे वो देखता है एक तरह से क्या बेनिफिट होता है? है या नुकसान है कुछ सर इससे बेनिफिट ये होता है जैसे मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई है और यूजर है उसमें कुछ एक्टिविटीज कर रहा है तो उसकी एक्टिविटीज में एक तरह से देख रही हूँ तो उससे मुझे नेक्स्ट टाइम ये पता चलेगा कि वो किस एक्टिविटीज को ज्यादा फॉलो कर रहा है तो जो अगले वाली उसकी तो uh, जाता है? है अच्छा आ, मुझे ये बताइए कब कंप्यूटर्स uh, के दुनिया में वॉम ट्रोजन और वायरस क्या है ये आ, सर वायरस को तो हम एक तरह से जो अनवांटेड

Warm, जी सर ट करता है अच्छा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी चर्चा होती है जी सर्थ. क्या डिफरेंस है दोनों में ट्रेडिशनल ए और जनरेटिव ए आई जी सर सर हम यदि ए का देखते हैं तो सर जो हम देखते हैं कि मनुष्यों की जैसे बुद्धिमत्ता है सोचने समझने की वो हम ए में देख सकते हैं और सर जनरेटिव ए में यह है कि जो आपने डेटा फीड किया है उसके अकॉर्डिंग वो जब नई क्रिएटिव थिंकिंग भी उसमें आने लगती है जैसे कहानियाँ सुनाना गाने नए क्रिएट करना तो सर इसे देख सकते हैं तो से सिमिलर कौन सा है एआई या जनरेटिव एआई? सर जनरेटिव एआई। एआई। जनरेटिव अच्छा ठीक है आ, मुझे ये बताइए कि ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो क्या तात्पर्य है इससे सर ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं सर इसके कुछ फीचर्स जो हम देखते हैं सर एक तो ये डेवलपिंग नेशन है और सर इनमें डेमोक्रेसी का देख सकते हैं सारे डेमोक्रेसीज हैं नहीं सर कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है और सर इसके पॉजिटिव में सर यही डेवलपिंग नेशन है इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट हो सकते हैं अच्छा अभी ये जी ट्वेंटी में कितने देश हैं सर अच्छा, इसमें उन्नीस देश हैं और सर दो ग्रुप हैं जो अफ्रीका का एक और सर यूरोपियन यूनियन अच्छा जी ट्वेंटी का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है तो इसमें एजेंडा में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करते हैं जो सर ट्रायका होता है सर उसके थ्रू तो अभी वर्तमान में ट्रोयका का कंपोजिशन बताइए कौन कौन से देश है इसमें सर इंडिया है ब्राजील है और तीसरा सर अभी मुझे दो का ही याद है चलिए कोई नहीं आपका बाइक में भी रुचि है जी सर ये बताइए कि अभी भारत में जो सबसे बड़ी बाइक रेस एक तरीके से आ, हुई कुछ समय पहले कौन सी हुई सॉरी मोटर जीपी के बारे में पता है आपको क्या होता है मोटर सर अच्छा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी एट कहाँ हुई है सर दुबई में हुई है। अच्छा और इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई सर इसमें जो लॉस एंड डैमेज फंड था सर उसको तर, उसमें जो फंडिंग थी वो की गई है ठीक है मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है हैीता री इंट्रोडक्शन किया गया है मध्य प्रदेश में कौन सी जगह किया गया है सर को। सर कोनो पालपुर अच्छा ये इसमें कई सारे चीता मारे गए हैं तो इसको क्या माना जाएगा ये सफल प्रयोग है या असफल हो गया है सर चूंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन थी सर उनके प्रोडक्ट थे तो सर उनमें चूंकि हमने ट्रांसलोकेशन किया है तो इस वजह से बट सर वर्तमान में अभी तीन चार दिन पहले की खबर है कि तीन नए बच्चों का जन्म हुआ और वो स्वस्थ है तो सर चूकी फर्स्ट जनरेशन थी शायद इस वजह कौन से।, से देश से लाए गए हैं सर नामीबिया नामीबिया से से सिर्फ साउथ अफ्रीका से भी है सर ठीक है धन्यवाद मनीषा आप अहिल्या भाई होलकर कॉलेज से पढ़ी हैं शायद यूनिवर्सिटी से अहिल्या की कहानी क्या थी राम की कथा में सर उसमें ये माना जाता है कि जो अहिल्या थी उन्हें उनके पति ने श्राप दिया था इस वजह से वो पत्थर बन गई थी उनके पति कौन थे आ, सर में उनका गौतम ऋषि सर क्यों श्राप दिया था आ, सर माना जाता है कि जो इंद्र है उन्होंने उनके साथ कुछ अवैध संबंध बनाने की कोशिश की थी तो उसकी वजह से उन्होंने गौतम ऋषि के साथ छल किया था तो जब वो वापस आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने इंद्र भगवान को और देवेहिल्या जो अहिल्या थी उन्हें दोनों को शराब दिया था सर तो रामचरितमानस में क्या जिक्र है इस कहानी का सॉरी सर अच्छा कोई बात नहीं अह अभी बात चल रही है जनरेटिव एआई के बारे में जी सर मनीषा का मतलब मोटे तौर पर बुद्धि और प्रज्ञा से होता है क्या हम ये मान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 10 20 साल में निर्णायक रूप से मानवीय प्रज्ञा और मानवीय मनीषा को पीछे छोड़ देगी सर इसे पीछे छोड़ना तो मैं नहीं अभी कहूँगी बट हाँ सर इसका लेवल काफी तब तक बढ़ चुका होगा अच्छा चलो आखिरी सवाल मनीषा मान लीजिए कि कभी आपकी बातचीत ईश्वर से हो जाए और वो आपसे कहें कि देखो मैं ना मैंने बहुत मुश्किल से ह्यूमन बॉडी डिजाइन की थी उस समय मुझे लगता कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं मुझसे तो ह्यूमन बॉडी के डिजाइन में कुछ रेक्टिफिकेशन करने हैं इम्प्रूवमेंट्स करनी है, है। और वो आपसे कहते हैं कि जल्दी से मुझे पांच सुझाव दो कि ह्यूमन बॉडी को बेहतर कैसे बनाऊं? आप क्या सुझाव देंगे उनको सर मुझे तो लगता है कि ह्यूमन बॉडी ठीक ही है नहीं तो जैसे पंख लगा सकते हैं उसमें उड़ेंगे भी ह्यूमन बींग्स सोचिए क्या सोच लो हाँ आराम से सोच के बताइए पांच सुझाव देने हैं सर एक तो ये जो कानों के पास की जो एक्स्ट्रा परत है सर, वो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है ये कान का जो बाहर निकला एरिया प्लेन कर देना चाहिए जी ठीक, सर चलिए और सर एक मैं हेयर का कह सकती हूँ कि सर ये जो हेयर फॉलिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए ठीक वो हमेशा रहे पर तो, परमानेंट हेयर रहे हमेशा जी सर ठीक और सर वर्तमान में चूंकि हम लोगों को स्पेक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मैं चाहती हूँ हो जाए तो ठीक ही रहे आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं सर, दो, ही ठीक है। दो आगे दो पीछे पैर में लगा रही नीचे का दिखता नहीं ना कभी कभी आपकी चॉइस है इतना ही ज्यादा सर फिर डिमांड बढ़ जाएगी चलिए ठीक है मनीषा बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके अब आप जा सकते हैं धन्यवाद थैंक यू सर कैसा हुआ इंटरव्यू आपका सर अब इंटरव्यू हो चुका है, काफी ब्लंडर है। किया मैंने सर जो आना चाहिए वो इजी इजी चीजें थी बट मैं नहीं बता पाई ओहो ये कौन सा अटेम्प्ट आपका अटेम्प्टी में फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट है मेंस कैसा हुआ है सर अच्छा रहा कितने नंबर आएंगे सर कहा नहीं जा सकते फिर भी सर अच्छा रहा काफी अच्छा रहा है जीएस में छूटा तो नहीं कुछ नहीं छूटा है सर तो चार सौ जीएसटी मान लेते हैं हिंदी में छोटा कुछ नहीं सर हिंदी साहित्य बहुत अच्छा रहा सर। तो मान लेते छह सौ पचहत्तर ऐसे कैसा हुआ तो सर बढ़िया रहा वो अच्छा ही रहता है भी सर हो ना तो सात सौ अस्सी का स्कोप है ठीक वन सेवेंटी आती है आप आई एस बन जाएंगे और आपके आज के इंटरव्यू में वन सेवन आ रहे हैं तो आपको पांच नंबर कम करने <laughs> सर अभी नाइन्थ फेब को है कैसे कम करेंगे बताइए नहीं सर मैं बढ़ाऊंगी <laughs> नहीं हम तो गए कम करने के लिए चलिए देखिए आप अस्मिता के स्टूडेंट हैं कब से सर जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था सबसे न... पहले वाला नहीं सर सेकंड जो मुदिता दी और इन लोगों का बेच था सेकंड मुदिता उसी में थी जिसमें आप हैं जी सर अच्छा जिस बन जाना हमें सीट खाली करवानी है अपनी सर मैं भी चाह रही हूँ सर मैं मेरे रूममेट को डेली कह रही हूँ <laughs> आपकी एंट्री बढ़िया है ड्रेस बहुत बढ़िया है बैठने का स्टाइल बहुत बढ़िया है कहीं कोई दिक्कत नहीं है इंट्रोडक्शन भी आपने अच्छा दिया आपने इंट्रोडक्शन में जो भील ट्राइबल फोक वाला बताया ना तो बड़ा अच्छा है ठीक है उसको ऐसे ही बताना है क्योंकि ही वो सुनेंगे तो भील ट्राइब को लेकर सवाल शुरू हो जाएंगे मोस्ट लाइकली जो कि हमने भी किए फिर गोल गोधेड़ो वगैरह बड़ा अच्छा बताया आपने पर उसमें थोड़ा और सटीक बताने की कोशिश कीजिए और मैंने कहा तीन लेसन जो सीखने चाहिए दिल्ली को बड़ा अच्छा बताया आपने और को लिविंग वाला जो आप बता रही थी उसका नाम भी तो कुछ होगा जैसे गोटल बड़ा अच्छा होगा वहां पर नाम वहां पर नाम है हमारे नाम नहीं है सर तो फिर अब ये जैसे राजीबाजी हम तो बोलते हैं तो ये बोलिए ना क्या बोला राजीबाजी हाँ तो बोलिए राजी बाजी नाम ही तो है राजी इन ट्राइबल से इतना अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा है कि को लिविंग में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रह के डिसाइड करते हैं कि शादी करनी, नहीं करनी है और यहाँ दिल्ली वाले करते तो बोलते हैं डेटिंग ऐप लाओ और पता नहीं कोर्टशिप करो करो क्या क्या, क्या, क्या तमाशा वो इतना प्राचीन सर जो उनके बच्चे होते सर उनको भी पूरी सोशल रिकॉग्निशन मिलती है सर सुंदर है शबरी को लेके सवाल जरूर आएंगे तो शबरी वाला रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने शबरी वाले प्रसंग में जो भामिनी कहा ना वो एक नया प्रयोग है तो वो छंद याद कर लीजिए राम कह रहे हैं कि नौ प्रकार की भक्ति जो होती है नवधवन में से एक भी किसी के पास हो तो वो मुझे बहुत प्रिय है तुम्हारे तो पास तो नौ के नौ प्रकार हैं तो नव महु एको जिन्ह के हुई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ये बहुत प्रसिद्ध कथन है बहुत महत्वपूर्ण है इसको रट लीजिए अच्छे तरीके से और बताने वहां पर ठीक है क्योंकि अहिल्या भाई होलकर विश्वविद्यालय से पढ़ी तो अहिल्या जी की कहानी राम से जुड़ती है तो वो भी पता होनी चाहिए पता है आपको थोड़ा सा और सटीक तरीके से देख लीजिए है ना एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है कॉन्फिडेंस जबरदस्त है स्पीड बड़ी अच्छी है क्वेश्चन आता है कि खटाक से उसका उत्तर आता है सर वो इशू आ रहा है मैं बहुत स्पीडली बोलती हूँ सभी लोग मुझसे रुकने का कह रहे हैं नहीं नहीं इशू नहीं है ये आपकी मतलब

काम बंद कर दीजिए है ना जैसा चल रहा है नॉलेज आपकी जनरली बहुत अच्छी है जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पूछा उस पर भी आपकी बड़ी अच्छी कमांड थी और कई ऐसे सवाल थे जिसपे हम बहुत उम्मीद नहीं कर रहे थे पर आपने सबके बड़े शानदार जवाब कहीं कहीं मामला चूका जैसे ओडीआई नहीं पता ODI था जहाँ ना पता हो तुक्का मत लगाइए और लगाए तो पूछ के लगाइए तुक्का बिना पूछे मत लगाइए ठीक है पोस्ट पोल जो वैंडेटा होता है तो उस पर बहुत सटीक सुझाव आपका आया नहीं कि इलेक्शन के बाद जब हम काउंटिंग करते हैं बूथ वाइज करते हैं तो नेता को पता लग जाता है कहाँ से वोट मिले कहाँ से नहीं मिले उसी हिसाब से डेवलपमेंट का फंड जाता है तो इस पर सर ने पूछा तो आप कहते हैं कि सर बेहतर होगा कि हम बूथ वाइज करने के बजाय या कम से कम रिजल्ट अनाउंस करते समय बूथ वाइज ना करें चीज़ों को मिक्स करें ऐसा कुछ करें फिर ये जो आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं जो कुकीज वर्म्स और वायरस ट्रोजन ये सब थोड़ा सा वीक था जी सर तो साइबर क्राइम्स के जो सात आठ प्रकार होते हैं और भी होते हैं फिशिंग एक प्रकार होता है उन सबको ठीक से पढ़ के समझ लीजिए इनमें क्या क्या अंतर सर। है सर। वो वेब सीरीज देखी आपने एक बहुत फेमस हुई थी जामताड़ा एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिए से वहाँ साइबर क्राइम का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है वो हालांकि वो टेलीफोनिक क्राइम ज्यादा था अभी साइबर क्राइम में मेवात का बड़ा नाम आजकल आ रहा है तो साइबर क्राइम को स्टडी कर लीजिए कंप्यूटर साइंस के बच्चों से जनरली पूछ लेते हैं जी सर और जो लैंग्वेजेज वगैरह हैं कंप्यूटर की लेटेस्ट है ए पूछेंगे पूछेंगे आपसे ए हरा जाएगी यानी आपने ठीक से हैंडल कर लिया लेकिन अगर ज़्यादा बात बढ़े तो आप कह सकती हैं पता इस तरह सर मेमोरी में कंप्यूटर हमसे आगे है प्रोसेसिंग की स्पीड में हमसे आगे है तो जनरली अब जनरेटिव एने के बाद वो तो लैंग्वेज में भी हमसे आगे हमें एक दो लैंग्वेज आती है उसको साइड लैंग्वेज आती है ट्रांसलेशन सबसे बेहतर करता है तो हर चीज़ में प्रोसेसिंग से लेकर मेमोरी तक की उसकी क्षमताएं हमसे ज़्यादा हैं बस ये कि वो इमोटिव थिंकिंग अभी नहीं कर पा रहा क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहा पर निकट भविष्य में अगर न्यूरोचिप बन जाती है तो हो सकता है कि क्रिएटिव और इमोटिव थिंकिंग में भी हमसे आगे निकल जाए तो रिस्क है और एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस देख लीजिएगा क्या है एजीआई ये लगभग बन चुकी है अब ये कुछ दिनों की बात है सालों की बात नहीं है एजीआई जिस दिन सफल हो गई जो कि ये जो क्या नाम है सैम ऑल्टमैन वगैरह इनकी जो कंपनी काम कर रही है उसी पे काम कर रही है जिस दिन वो सक्सेसफुल हो गई उस दिन हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के पास ये कहने को ना बचे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं तो मनीषा नाम से वो लिंक बन सकता है उसको देख लीजिएगा ठीक है बाकी तो आप शानदार हैं आपका तो आई तो आप बनी ही रही है तो सवाल केवल होम कटर का है ना तो छूट सर सर में में तो सी गई है तो, फंसो तो यही बोल देना जो भी बोल रहे हैं लेकिन बेसिक बेसिक पढ़ लीजिए जी सर और कोई वजह नहीं है कि आप प्रॉपर आईएस में न जरूर आएंगी बस कॉन्फिडेंस से जाइए और हम 99.99 परसेंट श्योर हैं कि आप आई में आ रही हैं ठीक क्या करने है? तो सवाल छक्का मारना है दो रन चश्मा परमानेंट हो जाए, हो जाए, चश्मा को हो जी जाए? सर। तो कान हटा ठीक है आप कह सकते हैं कि सर जो आंख कई बार खराब होती है तो ऐसी ही आंखें बन जाएगी कभी खराब ना हो फिर जैसे टेस्ट की कार में आठ इनपुट डिवाइसेस है आठ सेंसर्स हैं हम एक आधार पीछे लगा सकते हैं ताकि पीछे से कोई हमला कर तो पता लग जाए पहले से सर मुझे लगा वो सर बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं लगेगा अरे एस्थेटिक्स तो बाद में डेवलप हो जाता है अपने आप वो तो अभी तो हम सोच रहे हैं ना ऐसी कुछ कुछ चीज़ें मतलब कुछ बोलना है बेसिकली है ना आप ये सर हम उड़ नहीं पाते हैं हवाई जहाज रखना पड़ता है अगर पंख लग जाए हम उड़ भी पाएंगे ऐसी मछलियों की तरह हम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते अगर गलफड़े लग जाए हमारे अंदर तो हम सांस भी अंदर ले पाएंगे पानी के अंदर जितना मजा आ जाएगा ऐसे कुछ बोलिए नया नया ठीक है और ये सब पचास साल में होने वाला है जी सर हम अपने मतलब मैं तो शायद नहीं लेकिन आप लोग अपने मरने से पहले देख लेंगे ऐसे मनुष्य जोड़ रहे होंगे जो पानी के अंदर तैर रहे होंगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी ये बायोटेक और ए और इन सबको मिला के बहुत कुछ होने वाला है बहुत कुछ होने वाला है ठीक है जी सर शुभकामनाएं के आइए थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर